हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आज के इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं सर विलियम एनसन के एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में एक फुल फ्लैट क्वेश्चन बना। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को 3 पॉइंट पे आपको सोल्यूशन में बताने वाले हैं। साथ के साथ विलियम एनसन साहब ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी थी इस पूरे टॉपिक को समझाने और कवर करने के लिए, और उस स्ट्रैटेजी को आप आप सबके सब अपनी बिजनेस लॉ की स्टडी में कैसे यूज कर सकते हो ये भी जरूर बताऊंगा। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था और उसके बाद सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पूरे सोल्यूशन में पहले आपको इस स्टेटमेंट की मीनिंग बताऊंगा, फिर कम्युनिकेशन कैसा करा गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, और साथ में थर्ड पॉइंट पे जो लिखा नहीं दिख रहा आपको रिवोक्ड कैसे करना है हमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच, इन्होंने बोला जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो लाइटेड मैच के अकॉर्डिंग टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब बात ही आती है सर इस क्वेश्चन को हमें किस लेवल पर प्रिपेयर करना चाहिए। जरा देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में डिजर्व करता है। अभी आगे हम बात करेंगे अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको इस पूरे स्टेटमेंट में से कितना और कैसे लिखना है, और अगर 10 मार्क्स में आया तो आपको कितना ज़्यादा और लिखना पड़ेगा, या इस पूरे आंसर में भी कौन कौन से कंटेंट और आपको ऐड करने चाहिए सो दैट आप बिजनेस लॉ में 10 out of 10 ले सको। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे विलियम एनसन साहब थे इन्होंने क्या बोला, देखो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनसन वो ये बोलते हैं एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर, अगर आप ऑफर को एक्सेप्टेंस देते हो इट इज़ व्हाट अ लाइटेड मैच, ये भाई टू अ गन पाउडर, ये सी सी बात है कि अब ये बारूद के ढेर है आपका और उस पर आपने सिंपल सा काम करना है और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जरा चेक करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। ऑफर इज कम्पेयर टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज कम्पेयर टू अ लाइटेड मैच। अब एक मुद्दा है सर ऑफर और एक्सेप्टेंस को लेकर, ऑफर सेक्शन 2A में और एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में बताया गया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर सेक्शन याद करना जरूरी है क्या, बिकॉज हमारी ऑफलाइन फैकल्टीज हमसे कहती हैं कि बिल्कुल मत याद करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या है सर, कुछ एक सेक्शन जिनके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं उनको दिमाग में सेट कर लो, ऐसा बिल्कुल मत करो कि कुछ याद मत करो। मैं आपको बताता चलूंगा कैसे। तो हाँ, आपको मैंने वीडियो भी दे दी थी आज मॉर्निंग में, आप वीडियो जरूर पा गए होंगे जहां पर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया होगा ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं किया डिस्क्रिप्शन वीडियो रहेगी, चेक कर लेना। चलो जरा बढ़ते आगे। अब ये जो स्टेटमेंट था इनका, वहां पे हमने एक चीज तो क्लियर करी कि ऑफर को यहां पर ट्रेन ऑफ गन पाउडर रखा है, एक्सेप्टेंस को लाइटेड मैच से कंपेयर किया गया है। अब जरा देखते हैं इस पूरे स्टेटमेंट में बात क्या कही गई है। When a lighted match is applied to a train of gunpowder, अच्छा कुछ बच्चे जानना चाहेंगे सर ऑफर क्या है एग्जैक्टली। देखो जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को शो करता है तो डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और वहां पर सामने वाले की असेंट चाहना चाहता है कि क्या आप एग्री करोगे, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं ऑफर। और जब सामने वाला पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस शो करता है उस ऑफर के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और जैसे ही एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट होता है कहते हैं ऑफर, लाइक जो आपका ऑफर है जैसे एक्सेप्ट होगा देन बिकम अ प्रॉमिस, जो वादा किया वो, समझ रहे हो ना, लिख के बताओ जरा तो कमेंट में। तो जरा देखो करना क्या है। व्हेन अ लाइटेड मैच इज अप्लाइड टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सप्लोजन टेक प्लेस इन द सेम वे एन एक्सेप्टेंस, अब यहां से स्टेटमेंट आपका एग्री करेगा, एक्सेप्टेंस इज गिवेन टू द ऑफर इट वुड रिजल्ट इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, अब आपने जो पढ़ रखा है क्या पढ़ा है सर, आपने पढ़ रखा है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट करने के लिए क्या चाहिए सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आप ऑफर करोगे सामने वाला एक्सेप्ट करेगा फिर वो एग्रीमेंट होगा, अगर आपने इसे कॉमर्शियल नेचर में करा लिया तो कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट होगा जो कि आगे चल के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सो बढ़ते हैं आगे जरा। कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड देयर आफ्टर, आपने ऑफर दे दिया अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी तो आप ऑफर को रिवोक्ड मतलब समाप्त नहीं कर सकते। चलो पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर कैसे लिखना है। यहाँ पे हमने अभी जो बताया ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किस पे चला है, लाइटेड मैच पे। अब जरा देखो सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। अ ट्रेन मे बी रिमूव्ड बिफोर मैच इज अप्लाइड, ट्रेन को रिमूव किया जाता है जब तक माचिस की तीली ना जला दी जाए, टू अ गन पाउडर। इन द सेम वे एन ऑफर मे बी रिवोक्ड, ऑफर वापस लिया जाता है बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाई ऑफरी, ऑफरर वो पर्सन है जो ऑफर देगा, ऑफरी वो पर्सन है जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। सो बढ़ते हैं जरा आगे। अगला जो पॉइंट हमने लेना है यहीं से, देखो ये तो इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है जो विलियम एनसन साहब ने कह दिया, और हाँ इनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा सो दैट
आप अपने बिजनेस लॉ को पढ़ते वक्त स्ट्रैटेजी को, मैंने खुद को करा था और सीपीए की जर्नी में मुझे बहुत हेल्प मिली है। जब भी कोई स्टेटमेंट आप देखते हो ना, लाइक क्या होता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मैजिक पर बिलीव करते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रोफेसर्स की, राइटर्स की, जिन्होंने बिजनेस लॉ में कुछ स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे लॉजिक वर्क किया था, मैजिक नहीं। तो वो लॉजिक आप अपने स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो स्मार्टली और अपनी स्टडी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। तो जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 4 में बोला गया है। और इसी के बाद हम बताएंगे कम्युनिकेशन के बाद आपको रिवोकेशन, लाइक कैसे रिवोक्ड होता है, तो जरा चेक करो। इसमें दो पॉइंट है, पहला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सर कम्युनिकेशन ऑफर का मतलब क्या है, व्हेन इट कन्वे टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड, जिसके लिए ऑफर बनाया गया अगर उसको पता लग जाता है, जिसको हम बोलेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। बात क्लियर है? एग्जांपल के लिए आपने लाइक दूर बैठे किसी बंदे से बात करनी है, आई वांट टू सेल माय कार, विल यू बाय इट, क्या तुम इसे खरीदना पसंद करोगे, तो अगर आपने उस तक ये बात पहुंचाई है तो आपने ऑफर यहां से भेज दिया है। एक्सेप्टेंस की बात करें तो जब वो एक्सेप्टेंस देगा, पढ़ के देखते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कैसे होगा सर, ये दो पॉइंट पे जाएगा, पहला एज अगेंस्ट द प्रपोजर और दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। क्या है सुनो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जब आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम। एग्जाम्पल, आप एज एक्सेप्टर हैं और आपने क्या करा कि आपने एक लेटर लिखा, लेटर को आपने पोस्ट ऑफिस थ्रू सेंड कर दिया और वो वहां पहुंच गया जिसने भी आपको ऑफर दिया था, तो वो लेटर आपके ऑप्शन से बाहर जा चुका है, अब आप उसे वापस नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो यस, यहां पे बोलेंगे एज अगेंस्ट द प्रपोजर आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विदड्रॉ द सेम। अगर आप उसे विदड्रॉ नहीं कर सकते जो भी आपने एक्सेप्टेंस दी है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। बी पॉइंट की बात करेंगे, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो यहां पर लिखा गया व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जैसे ही प्रपोजर की नॉलेज में आएगा ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, सर क्या ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा? यार देखो, ये क्वेश्चन अगर हम बीकॉम के लेवल पे भी चेक करें या सी के लेवल पे भी चेक करें, सेम सिनेरियो है। ये पूरे एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, इस स्टेटमेंट के साथ पंगा क्या है, जब ये स्टेटमेंट आता है तो बच्चा इस लाइन को टच ही नहीं करता, मेजॉरिटी की बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ, वो इस लाइन को टच नहीं करते, वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। उनका मानना ये होता है कि सर जब स्टेटमेंट लिखा ही है तो दोबारा से क्यों लिखें। बट सर बात को सुनना ध्यान से, जब हम बिजनेस लॉ में कोई भी आंसर कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कोई भी एक्ट होगा, या तो हमें उस एक्ट के ईयर और सेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना है, आइदर अगर डेफिनेशन गिवन है तो किसी न किसी राइटर ने दी है। अब आप मेरे आंसर के स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, उसके बाद में लिखा कि वो स्टेटमेंट सेम मैंने लिखा है, फिर मैंने उस स्टेटमेंट में वो दो पॉइंट कौन से थे, वो किससे कंपेयर किए गए, वो बताया है। अभी जरा बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो आप लोग की है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसा मैंने आपको बताया, रिवोकेशन का मतलब है ऑफर को इंप्लीमेंट करने से पहले पहले रिवोक्ड करना या वापस लेना। तो जरा देखो यहां पे दो पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होगा रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो पॉइंट है, पहला जिसने बनाया है और दूसरा जिसके लिए बनाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हु मेक इट और सेकंड टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया है। तो देखो इसको सिंपली समझना, स्टेटमेंट तो लिखना आपने भी ऐसे है बट माइंड में पॉइंट कंसिडर करना है आपको। लिखा हुआ है व्हेन इट इज पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ पावर आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक इट। लाइक अगर आपने यहाँ पे रिवोकेशन की बात करी और वो आपके पावर से जा चुका है कि आप उसे वापस से विड्रॉ करा सको, तो डेफिनेटली आपने जो कम्युनिकेशन करा है वो रिवोक्ड होगा। सेकंड, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जिसके लिए बनाया गया, अगर वहाँ तक बात पहुँच जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ें रिवोक्ड हो जाएंगी। सर ये तो थी आंसर की बात। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है तो हमें आंसर में क्या चीज़ें एडिशन करनी चाहिए या क्या नहीं लिखेंगे तो चलेगा। देखो यार 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, आप ये पूरा का पूरा पार्ट रिवोकेशन का रिमूव कर दो, बात चल जाएगी, बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। हाँ ये ध्यान रखना, जो आपको फैकल्टीज ये बोल रही हैं कि सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमेंबर सेक्शन इज द की फॉर बिजनेस लॉ। क्योंकि अगर बिजनेस लॉ में सेक्शन नहीं है किस में लिखोगे, अकाउंटेंसी में? आप सोच के देखो ना, ये कहना कि बेटा आपको याद है तभी लिखना, नहीं, क्यों नहीं याद है, ऐसा कौन सा बवंडर खड़ा कर दिया है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक, आप पेपर का पैटर्न उठा के चेक करो ना पहले 4 अटेम्प्ट्स के, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा
पूरे के पूरे सेक्शन आप दिमाग में भर लो, बिल्कुल मत करो। बेसिक बेसिक सेक्शन माइंड में होने ही चाहिए। और मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन के सारे चैप्टर की वीडियो बना रखी, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करो इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ, आगे लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट सेल्स ऑफ गुड्स एट LLP कंपनी, जो मर्जी लिखो, आगे CTC क्लास से डाल दो तो डेफिनेटली वीडियो आपको मिल जाएगा, उठा के नोट कर लो। हाँ, स्क्रीनशॉट मत रखना, क्योंकि आपके मोबाइल में भर जाएंगी चीज़ें, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते हैं 10 मार्क्स के लिए। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो यहाँ तक लिखना है, साथ में जहाँ जहाँ आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं ज़रूर करें। याद होगा जब मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग करी तो मैंने वहाँ पे आपको ऑफर बताया और साथ में ये बताया कि ऑफर एग्जाम्पल क्या है। अभी ऑफर में 2 एग्जाम्पल ले सकते हो, फर्स्ट टू डू और सेकंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू डू में क्या है, आई वॉन्ट टू मैरी, विल यू मैरी मी, तो ये क्या हो गया टू डू। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या है, यहाँ पे आप किसी को पैसे देते इस बात के लिए हो कि भाई तू मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करेगा तो मैं तुझे इतने रुपये दूंगा, ये क्या है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। बोथ द केसेस यू वॉन्ट Someone considering your issues कि भाई आप उसको help करोगे, सामने वाले के consent लेना चाहते हो आप, तो जिस भी condition में अगर सामने वाले की इच्छा जाननी है तो आप उसको offer दे रहे हो, और जैसे वो बताएगा वो acceptance होगी, और जैसे acceptance होगी तो promise बनेगा। clear? चलो अब बात आती strategy। strategy कौन सी सर? मैजिकल नहीं, लॉजिकल। सर लॉजिकल क्या है? सर विलियम एनसन ने एक लॉजिकल स्ट्रेटजी यूज करी। स्ट्रेटजी क्या थी? कंपैरेटिव स्टडी की। अब आप बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जितने भी लोग हैं ये स्मार्ट गेम खेलते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझने के लिए गन पाउडर, ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड लाइटेड मैच का एग्जांपल लिया और माइंड में स्टक कर गई चीज़ें कि भाई अगर गन पाउडर एक एक्सेप्टेंस के तरीके से है वो मैच जिस पर गन पाउडर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब साफ इधर से ट्रेन है जिसमें पूरा बारूद भरा पड़ा हुआ है, मतलब क्या इधर से जा रहा है ऑफर, ठीक है, सामने वाले बंदे क्या करना है, मस्त से एक्सेप्टेंस आई, इन्होंने कंपैरिजन कर दी, हमारे दिमाग में चीज़ें स्टक कर गई। अब आप जब बिजनेस लॉ पढ़ रहे होगे तो मेक श्योर आप कंपेरेटिव स्टडी करो। ये स्ट्रेटजी मार्केटिंग में सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, अगर आपने कभी भी नोटिस करा हो तो सारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को कुछ और बताने के लिए, खासकर हमारे यहाँ एक बहुत ही बेसिक कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फर्जी प्रमोशन सा लगेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ को जड़ी बूटियों से बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, आप सोच के देखो, वो ये बताना चाहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल करते आए थे वो इतना ज़्यादा केमिकल है उसमें कि भाई तुम कल जिंदा नहीं रहोगे। अब ये डर, और सारा धंधा डर का है, क्योंकि आपको जिस, हाँ पढ़ाई से देख लो, आपको बताया था बिजनेस लॉ बहुत टफ है, अब आप सीरियस हो गए कि यार कैसे होगा इस बार, अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी प्रॉपर यूज़ करो। हाँ, और जब भी पढ़ने बैठो कंपेरेटिव स्टडी को, सर अब कंपेरिजन करेंगे कैसे, मान लो इसको तो विलियम एनसन साहब ने कह दिया था लेकिन बाकी जो आंसर हैं उनका आपको कंपैरिजन निकालना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से कंपेयर करो, फर्क नहीं पड़ता, नहीं बताने लायक हो तब भी चलेगा, लेकिन हाँ आपके दिमाग में वो आंसर होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। सेकेंड डे क्लास हो चुकी है, अब एट द एंड ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कल 6th of January थी और हम लोगों ने YouTube पर 1 ईयर कंप्लीट किया है, तो हैड्स ऑफ टू यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये रीज़न अगर कोई है तो सिर्फ आप लोग हो जिसकी वजह से CTC फैमिली ने पूरे 1 साल की जर्नी कंप्लीट करी है। और डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा जहां मैं आप लोग के सारे पॉइंट्स कंसीडर करूं, बिकॉज आप लोग डिजर्व करते हो। चलो मिलता हूं कल सुबह 11 बजे आपकी अकाउंट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।